अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे और सोशल डिस्टेंस आपने बरकरार रखा हुआ होगा यकीनन, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं आज। सो मलेशिया के व्लॉग्स तो आप लोग सभी देख रहे होंगे और इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है वो घर में है और अपने क्वारंटाइन डेज गुजार रही हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, क्वारंटीन डेज कैसे गुजर रहे हैं। वैसे तो मैं इधर हूँ, पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब गुजर जाता है, बट चाइना में मुझे बहुत पता चलता था। तो बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को एज आई एम विथ माई फैमिली। तो कभी यह है कि कभी विल्दान के काम कर रही होती हूँ मैं, फैमिली के साथ थोड़ा बैठ जाना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा गुजर जाता है। तो पता भी नहीं चलता कि मैं क्वारंटीन लाइफ गुजार रही हूँ या हम लोग आइसोलेटेड हैं सब। वो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी रूटीन लाइफ शेयर करूँगी कि मैं अपने इन लॉज में पाकिस्तान में क्वारंटीन डेज कैसे गुजार रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल? आज मैं फिर से विल्दान से पहले उठ के बैठी हुई हूँ। मतलब पता नहीं प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, हमेशा मैं चाहती हूँ कि मैं जब विल्दान उठे और मैं तभी उठूँ ताकि मैं उस टाइम को अवेल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सोऊँ। बट सुबह के 4 बजे सोऊँ, 5 बजे सोऊँ, बट मुझे उठना 9:30 पे ही होता है और दोपहर को भी कभी मुझे नींद आती है कभी नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ कि रात की नींद में प्रॉपर बेड से थोड़ा निकलने में मुझे टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों की DMs वगैरह चेक करती हूँ इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स वगैरह भी देख लेती हूँ। सुबह का आगाज़ मेरा इसी तरह से होता है। गुड मॉर्निंग विल्दान, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, विल्दान मेरे साथ ही बेड शेयर करता है। हालांकि विल्दान का कॉट है, बट जब से विल्दान पैदा हुआ है कभी भी वो इस कॉट में नहीं सोया है, तो हमेशा से उसने मेरे साथ ही बेड शेयर किया है और मुझे टाइटली हग करके वो सोता है। उसको जो है वो अकेले सोने की आदत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे जो है वो कॉट की आदत डालूं, बट गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, गी 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 गी। ब्रेकफास्ट करें? ये गुड मॉर्निंग विल्दान, से हाय। रोर, उठते ही रोर ताजी। उठते ही विल्दान की थोड़ी सी मस्तियाँ चलती हैं, उसके बाद विल्दान उठता है। विल्दान से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉम्स चैनल। उठती मस्तियाँ शुरू, हाँ उठती मस्तियाँ शुरू। विल्दान, विल्दान कैसे जा रहे हैं तुम्हारे क्वारंटीन डेज? हाँ विल्दान ऐसे जा रहे हैं। विल्दान टेल मी, कैसे जा रहे हैं क्वारंटीन डेज? मामा टेल मी, ऐसे जा रहे हैं। कर लिया है, अपना नाइट सूट चेंज कर लिया है क्योंकि मैं अभी इन लॉज में हूँ तो मैं ऐसे घूम नहीं सकती नाइट सूट। चाइना में थी, मैं अकेली होती थी, सारा दिन मैं पीजेस में होती थी, कोई होश नहीं होता था।
सारा सारा दिन मैं नहाती भी नहीं थी, ऐसे घूमती रहती थी, बट यहाँ पे है बहुत ख्याल करना पड़ता है। वेडिंग को अभी तक मैंने नहीं छेड़ा, वैसी की वैसी है। इसको जो है मैं विल्दान को ब्रेकफास्ट करवा के उसके बाद फिर मैं रूम की तरफ आऊँगी। और विल्दान सुबह सुबह उठ के, उसकी रूटीन ये है कि वो सुबह सुबह उठता है, अपने दादा के पास जाता है, उन्हें सलाम करता है और फिर वो अपने डे का स्टार्ट लेता है। स्विच ऑफ करके निकाल कीजिए, क्योंकि जी लोड शेयरिंग का वैसे ही मसला है, तो लाइट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे हमारे लिए ही बेहतर होगा, हमारी कंट्री के लिए भी बेहतर होगा। अच्छी बात है ना, अच्छी अच्छी बातें जो है वो ऑन एंड ऑफ सिखाते रहना चाहिए। हो सकता है कि जिन लोगों की आदत ना हो मेरी ये वीडियो देख के, शायद उनमें कुछ चेंजेस आ जाएं और वो रूम से निकलते वक्त लाइट ऑफ करते हैं। वैसे मैं भी कभी कभार भूल जाती हूँ, बट ये है कि मेरी कोशिश ज़रूर होती है। तो मेरे फादर इन लॉ जो है वो आते जाते लाइट्स ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार भूल जाती हूँ। चुकी हूँ अपने किचन में, विल्दान का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ। नॉर्मली जो है विल्दान ओटमील खाता है, बट कल ही उसका ओटमील ख़त्म हो चुका है, तो आज विल्दान खाएगा साबुदाना। पहले मुंह बन गया जी। व्हाट यू वांट ये कच्चा है। तो काफ़ी सारी मदर्स पूछती हैं कि विल्दान की डाइट में आप उसे क्या देती हैं, तो रोज़ का विल्दान का ये है कि ओटमील नाश्ते में खाता है, उसके बाद नॉर्मली जो हम सब खाते हैं वही मैं इसको दे रही होती हूँ। और मेरे ख्याल से ये बच्चों में आदत डालनी चाहिए, कि वरना वो बहुत पिकी हो जाते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ खाने के मामले में, बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे पसंद होती हैं। और ज्यादातर मेरा टाइम जो है वो विल्दान के साथ ही गुजरता है क्वारंटीन में। अभी मैं
रमदान को ब्रेकफास्ट करवा के नहला के फारे हो गई हूँ कि अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट अपना और अपनी मदर इन लॉ। आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट, बट मुझे वैसे पर्सनली जो पसंद है वो कीमे वाला अंडा होता है ना, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं उसे, अंडा घोटाला भी कहते हैं कराची में तो, बट मैं उसे कीमे वाला अंडा कहती हूँ, तो वो मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो, बट आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट क्योंकि जल्दी बन जाएगा और भी मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। बंद करो फ्रिज, गिव मी फाइव, गिव मी फाइव। नाश्ते की तैयारी करते करते जोहर की अजान भी हो गई। नाश्ता बन गया। किचन में चाहिए ना तो बुढ़िन कर दो। तुमसे कैसे लॉक करें? पागल हो रहा है उसके पीछे। कौन सा ड्रामा देखते हो? कान इतना रो रहा है बेचारा, इतना ये She is crazy about TV serials. With whom you are talking? With my camera. मेरी सास नाश्ता भी करती हैं, कुछ भी करती हैं, साथ में उनका सीरियल्स चलते रहते हैं साथ में। साथ में ब्रेकफास्ट भी चल रहा है और ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा अंडा अच्छा शुक्रिया शुक्रन। हमारी वीडियो पे मत रखते थोड़ा व्यूज आ गए माशाल्लाह। हाय हाय माय मदर इन लॉ, लुक एट मी मदर इन लॉ, भी शो भी किया तो ऐसे फर्स्ट अपीयरेंस। अच्छा तैयार होकर आएंगे भाई। नहीं कोई बात नहीं, हाँ ये तो बात है। और मैंने ऑयल लगा दिया। No, so sad. Vildan sharing is caring. Vildan, mama sharing is caring. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मिलती हूँ ब्रेक के बाद फ्रेशन अप होके। सुबह से मैं इतनी बुरी हालत में पूरे घर में घूम रही हूँ और मौका भी बड़ा अच्छा है, विल्दान भी सो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस मौके पे चौका मार दिया जाए और जाके नहा लिया जाए। तो आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सी यू इन अ बैक। नहा के मैं आ चुकी हूँ और आज मैंने अपना डे इतना लेट स्टार्ट किया कि मैंने अभी तक खाना तक नहीं खाया। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा पाकिस्तान में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं थी अपनी पाकिस्तान में, वो ब्यूटी वीडियोस थी। मैंने व्लॉगिंग जो प्रॉपर स्टार्ट की है वो मैंने चाइना जाके स्टार्ट की है। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा पाकिस्तान में। आई होप यू गाइज विल लाइक इट, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक मत कीजिएगा, इतनी नफरत ठीक नहीं है। खड़ी हूँ अपनी बैल्कनी पे और काफ़ी अच्छा सनी डे है और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। मैं लकी हूँ कि मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, बिल्कुल ही जो है वो न्यूट्रल मौसम चल रहा है। यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है बट
यार चाइना का जो लॉकडाउन था ना वो बहुत ही स्कैरी था सीरियसली। वहाँ पे ना हम लोग को कोई कार नज़र आती थी, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। जब विंडो से बाहर देखती थी सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा खौफ आता था, और उस टाइम मैं विल्तान के साथ अकेली होती थी घर में। बट यहाँ पे लॉकडाउन है बट फील ही नहीं हो रहा, लाइक मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। मे बी आप लोगों को हो रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद पाकिस्तान आई हूँ, तो मुझे तो घर पे रहना बहुत मज़ा आ रहा है। साथ बस बेहतर हो जाए, लेकिन मेरे लिए कुछ घर में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हाँ ये है कि मैं अभी तक अपनी अम्मी लोगों से नहीं मिली, तो मैं ऑन एंड ऑफ मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर तो लेती हूँ, बट ये है कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। अब अल्लाह करे जल्दी से हालात ठीक हो जाए। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं लाइव नहीं गई, और आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे लाइव आएँ। तो मैं सोच रही हूँ कि विल्दान भी सो रहा है तो अच्छा होता है। मैं कैच करने में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। तो जी पाकिस्तान के ऑरेंजेस की तो क्या ही बात है। मैं पूरी दुनिया तो नहीं बट 4-5 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ, बट पाकिस्तान जैसे मुझे ऑरेंजेस कहीं नहीं मिले। सीरियसली बहुत मज़े के और बहुत ही यम्मी ऑरेंजेस होते हैं। ऑरेंज को हमेशा नमक और मिर्च लगा के खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऑरेंज के साथ साथ मैं बाहर की भी इस टाइम नज़ारे कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने क्वारंटीन डेज कैसे गुजार रहे हैं। जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं या अच्छे डेज गुजर रहे हैं। विल्दान इस टाइम अभी सो रहा है और मैं अपना मी टाइम इन्जॉय कर रही हूँ। ये दोपहर का जो टाइम होता है ना, इसमें यूजुअली मैं बैठी होती हूँ, या तो मैं अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ, या जिसमें मी टाइम को इन्जॉय कर रही होती हूँ, कोई फ्रूट ले लेती हूँ या कुछ, या अम्मी वगैरह को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है घर में सब सो रहे होते हैं, सिर्फ मैं ही जाग रही होती हूँ। और ये है जी मेरी बॉटल, पानी की बॉटल। जहाँ सिद्रा होगी वहाँ उसकी पानी की बॉटल होगी। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, आप सब भी पिया करें, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन। क्योंकि बाहर आने जाने में मुझे काफ़ी सुस्ती होती है, तो मैं एक साथ ही अपनी बॉटल भर के रख लेती हूँ कि जो है मैं मुझे कोई बहाना ना मिले पानी ना पीने का। सबको डराता रहता सारा दिन। सब डर जाएंगे। Don't forget to wash your hands at least for 20 seconds. बनने जा रही है मैकरोनी। इस टाइम जो जो हमारे पास सामान अवेलेबल था हमने वो यूज़ किया है। अगर कैप्सिकम होगी तो और ज़्यादा अच्छी मज़े की बनेगी। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कढ़ाई मसाला, पर यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ तिक्का मसाला। डिनर टाइम एंड आई एम गोइंग टू मेक मैकरोनी टुडे। लॉकडाउन की वजह से जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं बस मैं उन्हीं में मैकरोनी बना रही हूँ, वरना जो है कैप्सिकम वगैरह होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। सो वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही इंग्रेडिएंट्स थे, तो प्रॉपर तो इस ब्लॉग में रेसिपी नहीं दे सकती, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, बट ये है कि मैं आपको
किसी और दिन जो है वो प्रॉपर रेसिपी दूंगी। इस मैक्रोनी की बहुत मज़े की बहुत यम्मी डिशेस बन रही है। क्या खा रहे हो? टेस्ट करके बताएं सब कैसी लग रही है। बहुत अच्छी, जबरदस्त, मजेदार। सच्ची में बहुत अच्छी है। 10/10 11/10 तो खाते ही नहीं। हाँ, वो नहीं खाते, वो भिंडी खाते, सब्जी। और हम खाते हैं ये। फैंसी बच्चे हैं हम। इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं और रोज़ रात को 10 बजे यहाँ पे सारी अजानें होती हैं, इस्तग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह मियाँ से माफ़ियाँ मांगी जाती हैं और दुआएं की जाती हैं ताकि हम सारी सिचुएशन से, सब पूरी दुनिया जो है वो बाहर आ सके। आमीन। हाँ तो जी, दैट वॉज माई क्वारंटीन डे रूटीन इन पाकिस्तान और वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइना। वहाँ पे तो बस बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, यही रूटीन था। बट यहाँ पे यह है कि काफ़ी सारे काम करने को होते हैं तो डे कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सो विल्दान भी अभी आके लेट चुका है। से हाय। नो, हाय, हाय गाइस। गाइस जस्ट प्लीज स्टे एट होम और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून एंड बेटर डेज आर कमिंग सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जस्ट स्टे पॉजिटिव और ज़्यादा पैनिक होने की और ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दिन को अच्छे से अच्छे गुजारे हैं और फैमिली के साथ गुजारे हैं। तो यहाँ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और पॉजिटिव रहिए, अपना अपने आप को इंगेज रखिए बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मैंने, आपने देखा कि मैं अपने आप को पूरा दिन इंगेज रखती हूँ, कभी कुछ काम करती रहती हूँ, कभी कुछ काम करती रहती हूँ। वो अलग बात है कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, लाइक व्हाट, तो मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी लाइक फ्री बैठने का। तो ये मेरे लिए अच्छा है सम हाउ, व्हाट। सो या अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इफ़ यू गाइज न्यू ऑन माई चैनल सो डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइज कैन नेवर मिस अ वीडियो एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। या हेलो टू माई ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स। और या इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। दिल्दान से बाय बाय। यप, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Can you give me a kiss? Just one kiss? No?